मम्मी का सूट नहीं दिखाया था, पर्पल पहना है मम्मी ने। हाँ अब यहाँ पे मेरा प्ले बटन लगवा दो। किधर? यहाँ है ना, इस पे और इस ब्राउन पे है। तो इसने मंगवाया पनीर का और मेरा मसाला डोसा, मम्मी का शेक। हो गया चेकअप, जाके बताती हूँ क्या आया रिपोर्ट्स में। डोसा खा लिया था, इतना गर्म और मस्त था, फिर सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा दोबारा ठंडा कुछ शेक पी ले। हो गई रेडी, मैंने अपनी थाली भी लगा दी है, दिखा ना, दिख बस इस्तेमाल मत लगाओ टी शर्ट पे वरना फिर ना वो निशान जाते हैं। हाँ भाभी बहुत बढ़िया, सब वहाँ बैठे हैं। और ये हो गई हमारी थाली रेडी, और ये मेरी राखी है, ये मैं अपनी और इनको सेम ऐसे करवाऊँगी, मैं पहले ही रख ली, और सब रेडी है। मेरे तो मन कर रहा मैं खाई बस, पर नहीं आज मैंने इतना कम खाया, पूछो ही मत, मैंने इतना कम खाया, मैंने फ्रूट नहीं खाया सुबह से, आज सबसे कम खाया मैंने। वो तो शुक्र है मम्मी ने बोला बार 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 पनीर खा ले, पर रोटी खा ले। हाँ ये वाला मत लगाओ, मुझे वही लगा दो वो वाला, ये तो दिखता थोड़ी है इतनी दूर इतना उससे। बस हो गया हमारा पैनल रेडी, ये परसों ही पूरा वाशा दिया, कल मैं चली गई थी उसके बाद शीशे वाले आए थे, और सुबह मम्मी ने इन्होंने सबने मिलके साफ कर दिया पूरा। वाह लाइटिंग भी लग गई, देखा ना। हाँ अब आगे, पहले ना बहुत भरा हुआ था ये, क्योंकि मतलब स्पेस कम था, अब स्पेस ज़्यादा हो गया तो मैं सामान तो और ले आऊँगी, लेकिन वैसे अब इसकी प्रॉपर लुक आ गई है, और ड्राइंग रूम की भी है ना जी। यो ठीक है, ये था मुझे तो कम लग रहा है, था तो यही, पहले यही फूल ना ऊपर यही। हाँ अब यहाँ पे मेरा प्ले बटन लगवा दो। यहाँ है ना, इस पे और इस ब्राउन पे, इस पे दो आ जाएंगे है? दोनों आ जाएंगे, वो एक तो लिखा हुआ है जिस पे। हाँ सही कह है, सही कह, ब्राउन पे चल रहे। भूल गए थे आप कल भी अब मेरा प्ले बटन भी लग जाएगा, फिर मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी, मैं प्ले बटन के सामने सबको दिखेगा कि मेरे पास मेरा प्ले बटन भी है, दो तीन महीने से पैक पड़ा है, चार बहुत टाइम से पैक हुआ है। ठीक है अभी आपको तो बनाते हैं। ओके मम्मी का सूट नहीं दिखाया था, पर्पल पहना है मम्मी ने, बहुत बढ़िया लग रहा, बढ़िया वेरी गुड। चल चलो और थाल लेके जा रही, मम्मी राखी रखती सारी, मम्मी इसमें चलो बैठे हैं सब। चलो जिया तू बैठ जा, कुछ निकट कर चावल लगा सकते
क्या होंगे के लिए जाएंगे देख ले पड़ा है आते रहे हैं काम में है काम मेरी बात छोड़ दियो मेरी जल्द परली छोड़ दियो लेकिन उससे अच्छा नहीं कट पाया बार खाली है
कितने चावल ला रही है चावल जी माथे चावल जी तूने गिर तूने अंदर गिर अंदर ऐसे भट्टे ये को ना देखा इतनी इतनी करके पूरी कटोरी खाली कर दी ने पाचा खाली है ना चलो खा ले चावल लगा क्या ऐसे ताल के मजा आ रहा है ये ताले टाइपिंग वाला है ये ताले टाइपिंग वाला है जल्दी जल्दी बस तुम्हारा नाम क्या है सब का धन टेप तो पीछे दो किसका क्या वो भी जी फेवरेट
थोड़ी तेरी है, तेरी बच रही है। इतने बिठा देना, इन्हें साइड में बिठा लो। इतने अरे याद लेने पकड़ ले, लेने पकड़ ले। चीता ही कह दे, जादू कह दे भाई, शेर भारती के दो भाई है क्या? दोनों आए भारती का भाई तो नहीं, एक कजन, कजन चाची आ गई। चाची दिखा दो, बहुत बढ़िया चाची ने मेहंदी लगवा रखी है। हाँ इसकी भी ड्रेस चेंज कर दी। बंद कर लें दाता ने। हाँ सुनी आ गए कभी माथे लड़वाया माथे हाँ सुनी आ गए कभी माथे लड़वाया माथे जाओ जिम जा रहे। फिर हम ना आज कोई मंडे डॉक्टर के पास वहाँ भी जाएंगे। मेरे हाथ पे फिर आज बैंगल से रैशेज हो गए और राखियाँ बंदी है, दो महीने अभी भी निकाली है क्योंकि ना वो मैचोड़ी निकाल रहे थे ना, इसीलिए अभी मेरी इनकी फ़ोटो नहीं हुई इसलिए मैं ड्रेस पहन नहीं रही हूँ। नीचे का निकाली थी, मैंने लोअर पहन लिया था। अब दोबारा देखते हैं। चाची का बेटा भी आया था आज बुआ के साथ, वो यहाँ सो रहा है, मेरे छोटू देवर है ये। बस अब जो आएंगे बुआ, 5-10 हो गए। नहीं नहीं जा रही है जी, चलो वीडियोस बनाएंगे। ओके सो शूट किया अभी, बुआ गए थे, 6:15 हो गए, 6:45 की अपॉइंटमेंट है मेरी। तो सारा मेकअप वेकअप उतार के अब मैं रिलैक्स हुई। सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैंने कितना 10 किलो वजन उतार दिया, बहुत ही हैवी था, बहुत ही हैवी। अब मैं जा रही हूँ अपॉइंटमेंट पे डॉक्टर के, चलो चलते हैं। पहुँच गए हम
मैं कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि काफी लंबा हो जाएगा व्लॉग। आज पहली बार ना हम दिन में आए, दिन में इन द सेंस चांदनी में, वरना नॉर्मल हमारी अपॉइंटमेंट 7:30 की 7:45 तक की रहती है, तो फिर ना रात हो जाती थी यहाँ पे, बट आज सही है। ओहो छी छी छी, हो गया चेकअप, जाके बताती हूँ क्या आया रिपोर्ट्स में। रसगुल्ले चमचम चमचम करती चल ऐसे। वैसे तो सब ठीक ही था, अब की बार मुझे कोई ऐसी परेशानी की बात थी नहीं, बट बस एक दिक्कत हुई है, मैं बताती हूँ घर जाके क्या परेशानी हुई है। तो हम बाहर आए हैं खाना खाने और लेने। अभी डॉक्टर से आने के बाद हमारा डिस्कस हुआ कि हम कुछ बाहर से ही ले आते हैं, आज थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। फ्री तो क्या, सोचा थकान हो रही है मम्मी को भी मुझे भी, तो इससे सोचा कि बाहर चलते हैं। तो हम बाहर आ गए डोसा लेने, मैं मम्मी और ये, और बाकी कुछ घर पर ले जाएंगे। चलो, तो इन्होंने मंगाया पनीर का और मेरा मसाला डोसा, मम्मी का शेक। चलो 1 2 3 डोसा खा लिया था, एकदम इतना गर्म और मस्त था, फिर सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा चिल्ड चिल्ड दोबारा ठंडा कुछ शेक पी ले, तो फिर हम शेक पीने आ गए। अब शेक वेक पी के जा रहे हैं घर पे, शेक हुई। अब लग रही है राखी पूरी हुई, बढ़िया खाना खा लिया, एकदम पेट भर गया, और अब थकान जाके सो के उतरेगी, वो तो ऐसे उतरने वाली है नहीं। चलो कैसे उतरेगी बताओ, सो के उतरेगी। चलो चलते हैं सीधा घर। चौथी बार पा फुटे आधे घंटे मजा आ गया मैंने, आखा ने भी चाल लेना, तो सही होना चाहिए तेरे साथ ऐसा ही होना। पैंट पुर से संभाल ले तुम, ये तो सिलवाले बिल्कुल ये सिलवाले इतना सुधरा है, मैं तो किसी को भी नहीं सुधरा है। ये तो मैं मम्मी कह रही थी कि सी बड़ी खाना भैया, इतना कपड़ा है सारा, जितना कपड़ा सारा सिलवा लेती हूं, 9 मंथ तक आ जाएगा मुझे। कौन सा करवा दे कल से बात, ले जाने देती हूँ अच्छा, तब और अच्छा तू ले लेती ना फिर। उसका पिंक है, दूसरा काम है उसका, मेरा येलो है, मगर येलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, येलो कलर ना, और ये मोस्टली पिंक ले दिया था। आप इसका आपके तो सेम टू सेम कलर का पहन रहे हो तू, मन दिन मिल ली थी मन देखने तो सूट तेरे से सिमाले तो सिमाले नहीं, मैं तेरा मेरा नाप एक ही हो रहा है। नाप सेम हो गया
अरे सो गाइस इतना थक गई हूँ मैं, इतना थक गई हूँ मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपनी थकान को कैसे डिस्क्राइब करूँ आप लोगों के सामने। बस यही बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छी राखी थी, रील वील डालने की हिला हिम्मत थी नहीं, तो मैंने सिर्फ अभी एक दो जो मेरी सुबह की बनी थी बस वो डाल दी, क्योंकि ये सारा घूम रहा है, बिल्कुल इतना दर्द हो रहा है। 3-4 मेरे बार मेरा पैर लग चुका है गाड़ी में, गाड़ी के गेट में मेरा अंगूठा आ गया तो वहाँ दर्द हो रहा है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लग गई आज सुबह से, लग रही हूँ मतलब तब से मैं घर पे, मुझे लगने लग रही है अभी अभी जस्ट 10 मिनट 3 बार लगी है, बैग के पास या नीचे बेड के पास और गेट के पास, बट पैर बिल्कुल ही कोई नहीं, रुक जाएंगे। बट आप लोगों की राखी भी अच्छी गई हो, आई होप सो। हमारी राखी बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छे ससुराल वालों की गई, बहुत अच्छी मायके में गई, तो सब बहुत अच्छे। डॉक्टर ने बस ये बोला है कि अब ठीक है, अल्ट्रासाउंड बताया मेरा अब 2 वीक के बाद तो वो होगा, और 2-3 टेस्ट जो मेरे टेस्ट अभी नहीं हुए थे, फिर जो इंजेक्शंस बचे हुए हैं वो लग जाएंगे। तो वैसे कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ वेट बढ़ गया है 3 kg, सो वेट बढ़ गया है बिल्कुल, ये बोला डॉक्टर ने मुझे कि, बट बोले कोई बात नहीं, अब तो बेबी ग्रोथ करेगा तो वेट तो बढ़ेगा ही, बट ठीक है थोड़ा सा और कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा घूम फिरना फिर से शुरू करूँगी कल से, है ना, जो 10-12 दिन से थोड़ा रूटीन छूट सा गया था वापस से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर घर जाऊंगी तो वहाँ घूम लूँगी सुबह शाम को, तो सही रहेगा। वैसे भी मुझे देखो, मुझे तो फील होता है कि वेट बढ़ गया, क्योंकि अपने आप को अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी और बल्कि लगती है, जो मुझे लगती है पर्सनली। और क्योंकि अभी 6th month है तो बस ये सोचते हैं हम कि 6th month है, 6th month है, बट किसी किसी की बॉडी ऐसी ही होती है कि 6th ज़्यादा दिख जाता है ये सब कुछ करके। बट कोई नहीं गाइज, आए हो आप लोगों की भी अच्छी गई हो, जो जो मैं लाई दिखा दिया मैंने, बुआ की बेडशीट देखी गई है मुझे, एक बुआ बेडशीट देखी गई है, बहुत सुंदर है, मैं बिछाऊंगी तब आप लोगों को उस दिन दिखाऊंगी कि हाँ ये बुआ ने दी थी। फिलहाल के लिए नचे दे फिरा मैं डब बेहरा, और 2-3 राखी थी जो ऐसे लटकने वाली थी, जब तो मैं गई ना डॉक्टर को मैं निकाल गई थी, क्योंकि वहाँ पर अच्छा नहीं लगता सारी लटकी हुई, तो ये वाली, तो ये मंगलसूत्र वाली तो मैंने अपने लिए खुद ही मंगवाई थी, तो ये इतनी प्यारी है, बहुत ही प्यारी, इनका सेम मेरे पति ने बांधा है, दिखाना पति, ठीक है। बाय गाइस, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, ऐसी नींद आ रही है आज, तो मैं पैरों में बिल्कुल ऑयल लगवाऊंगी इनसे, तो आज ये प्लीज इनके भी सर दर्द है, बस क्योंकि ये भी नहीं सोया ना, रेस्ट नहीं हुआ, और मैं तो इतना हैवी पहन रही थी, और मैंने कुछ टाइम के लिए हील भी पहनी, कुछ टाइम लगा लो या थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लो हील पहनी, तो उसके बाद अब थोड़ा सा वेट गेन होते ही हील पहनते ही तो नीचे वाला जो तलवा है वहाँ पेन होता है, बट ठीक है, फेस्टिवल है तो थकान तो होगी और काम भी होगा और रेस्ट करना ज़रूरी है। नहीं चार्ली कैसी बातें कर रहे हो आप, चलो ठीक है बाय, ये पता नहीं क्या कर दे टाटा गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में।